नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल wealthsky.in में। wealthsky.in में आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो है SL and SLM को Zerodha के पाई सॉफ्टवेयर पे किस तरीके से लगाया जाता है, आज हम वो चीज़ आपको बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको Zerodha के kite जो वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है उसमें SL एंड SLM के बारे में आपको बताया था और उसको कैसे लगाते हैं उस सॉफ्टवेयर में, वो चीज़ हमने आपको बताई थी। आज हमारे वीडियो में आपको हम जो Zerodha का पाई टर्मिनल है वहाँ पे आप कैसे स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट लगाएंगे वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं पाई सॉफ्टवेयर और उसमें देखते हैं कि हम SL और SLM को किस तरीके से लगाते हैं। तो दोस्तों, ये पाई सॉफ्टवेयर है जो कि Zerodha का एक टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि आप इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली मार्केट में ऑर्डरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किस तरीके से स्टॉप लॉस आप लगाते हैं, स्टॉप लॉस मार्केट कैसे लगाया जाता है, वो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सपोज़ करिए आपने बैंक ऑफ बड़ौदा को आपने बाय कर रखा है, आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा में एक लॉन्ग पोजीशन है, उसका आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट किया, हमने उसमें हमने आप एक बाय ऑर्डर है तो हमारा अब क्या लगेगा है सेल ऑर्डर में। तो सेल ऑर्डर पे गए, तो सेल ऑर्डर में हमने जो सेलेक्ट किया उसमें हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है लिमिट ऑर्डर की जगह हमें एक SL लगाना है। तो SL हमने सेलेक्ट किया, तो SL सेलेक्ट करने के बाद हमने क्वांटिटी डाल दी जितनी क्वांटिटी है और हमारा जो टिगर प्राइस है वो हमने डाल दिया यहाँ पे। तो जो भी टिगर प्राइस हमें डालना है वो डाल दिया। सपोज़ करो हमें टिगर हमने 170 पे बैंक ऑफ बड़ौदा ख़रीदा हुआ है, हमें 165 का लगाना है तो 165 का हमने टिगर प्राइस लगा दिया और हमें सेल करना है तो उसके नीचे का हमने प्राइस लगा दिया, तो 164 का हमने प्राइस लगा दिया और सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा। अगर हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर की जगह एक SLM ऑर्डर लगाना है तो हमें सिर्फ ऑर्डर टाइप में SLM सेलेक्ट करना है और टिगर प्राइस ही डालना है। बस टिगर प्राइस डाल के ही हम सिर्फ सबमिट कर देंगे, हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस लग गया। एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपकी सपोज़ करो कि यस बैंक में आपकी शॉर्ट पोजीशन है और आपको इसका एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, तो आप इसमें जाएंगे बाय ऑर्डर पे सेलेक्ट करेंगे कि बाय ऑर्डर, क्योंकि आप शॉर्ट हो तो आपको बाय करना है। आप शॉर्ट हो सपोज़ करिए आप 1400 रुपये पे शॉर्ट हो और आपको 1420 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप गए लिमिट ऑर्डर में, आपने स्टॉप लॉस चूज़ किया, 1420 लगाया और प्राइस आपने 1421 लगा के आपने सबमिट कर दिया। तो ये ऑर्डर आपका एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लग गया। और अगर आपको स्टॉप लॉस एट मार्केट लगाना है तो आपने SLM सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे इसको जो भी आप 21 पे लगाना चाहते हैं 21 पे या 20 लगा के आप सबमिट कर दिया। तो इस तरीके से Zerodha के पाई सॉफ्टवेयर पे आपको SL और SLM लगाया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो में आप कोई भी चीज़ मिस ना कर सकें। इसलिए थैंक यू दोस्तों।